ठीक है बच्चों, तो अभी हमारा नेक्स्ट जो सवाल है आपके टेक्स्ट बुक का 1.8 सॉल्व एग्जांपल है। अभी ये फॉर्मूला किस बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस्ड। ठीक है, आइए इसको क्या बोल रहा है सिचुएशन समझते हैं। एक स्फेरिकल वाटर बलून है, मतलब आप मान लीजिए एक बलून है, उसमें आपने वाटर भर दिया और उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल, और ये गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इज रिवॉल्विंग एट 60 rpm। कितनी rpm से घूम रहा है? 60 rpm से अभी घूम रहा है। मतलब इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी आप बोल सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक्स आउट। मतलब 100% पानी है, आप कितना मान लोगे? 100% है, 48.8% क्या हो गया? लीक हो गया थोड़ी देर के बाद। तो कितना बचा? 100 में से माइनस कर दो तो उतना मास बच जाएगा। अंडरस्टूड? तो जितना बच गया ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपका आ जाएगा 51.2%। कितना आ जाएगा? 51.2%। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सिचुएशन भी ड्रॉ करता हूँ मैं। अच्छा, विद वॉट फ्रिक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ? अगर उसमें से 48.8% पानी क्या हो जाएगा? लीक हो जाए तो मास कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मास इनर्शिया का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब ये सॉलिड स्फीयर इसको कंसिडर किया जाएगा या हॉलो स्फीयर कंसिडर किया जाएगा, बोलो? हाँ, भरा हुआ है ना, तो सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया जाएगा। और जब ये बलून किसी एक्सिस के, किसी सेंटर के अराउंड गोल घूम रहा है ऐसे, तो उसका एक्सिस इधर आ गया। अबाउट एनी एक्सिस क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, मालूम है ना, थीरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो उस फॉर्मूला लगा के उसका इनर्शिया, इनर्शिया बेसिकली क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है या घटने वाला है? सोचो, कम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मास क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। मास कम हो जाएगा क्योंकि इनर्शिया के फॉर्मूले मास होता है। मास कम हो गया तो इनर्शिया कम हो गया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ चुका है। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला सबको मालूम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे कैसे? आपको पी का फॉर्मूला अगर याद है तो बस रिप्लेसमेंट सीखना है आपको। लीनियर मोमेंटम या आपका लीनियर इनर्शिया है, मास को क्या बोलते हैं? लीनियर इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, पी की जगह क्या आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम। एम की जगह आई आ जाता है। वी की जगह क्या आ जाता है? ओमेगा आ जाता है। ठीक है, इसको एंगुलर मोमेंटम, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर आई आपका ये कॉन्स्टेंट होने के लिए बच्चों, अगर आपका आई घट जाता है तो ओमेगा क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे तरीके से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इनर्शिया कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखो इसको किस तरीके से सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ मैं। हमारे पास एक स्फेरिकल बलून ले लेता हूँ मैं। बराबर है, सिक्स रिवॉल्विंग 60 rpm से घूम रहा है। अच्छा, किसी एक्सिस के अराउंड ऐसा नहीं बोल रहा है ना अपने को, तो खुद के ही बात कर लेंगे अपन। कैसे बात कर लेंगे? खुद के एक्सिस। ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बराबर, पानी है ना। ओके, अच्छा, इसका इनर्शिया अभी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आई वन, क्या मान लेता हूँ? और इसके गोल घूमने की जो स्पीड है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। बराबर है। अच्छा, अभी सुनो, इन द कोर्स ऑफ टाइम बोला ना उसने, थोड़ी देर के बाद क्या होगा?
पानी इसमें से कम हो जाएगा, 48.8% पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बलून भी छोटा हो जाएगा, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, मास कम हो जाएगा, तो भाई उसी हिसाब से बलून ये रहेगा ना। ओके, अब इसका जो इनर्शिया हो गया उसको बोल देता हूँ आई टू, और एंगुलर वेलोसिटी, इसमें हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया हुआ है, समझ आ रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क। और उसमें क्या बोला उसने, जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जैसे एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन वगैरह, ये सब निगलेक्ट करना है अपने को, ये सब नहीं। ठीक है, तो आपका एंगुलर मोमेंटम दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहाँ पर जो एल है वो भी, तो एल क्या रहेगा, सेम। अब मुझे बताओ एल का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू ओमेगा, यानी इधर पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई वन ओमेगा वन, क्या होगा बच्चों, आई वन ओमेगा वन, और इधर पे क्या होगा, आई टू ओमेगा टू, समझ रहे हैं, आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी क्या नाम है, सिचुएशन को लेकर और डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। कितने आरपीएम से जा रहा है बच्चों, ये 60 आरपीएम, शुरुआत में इतने आरपीएम से गोल घूम रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन वन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आरपीएम में क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, आरपीएम में क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दिया होता है, तो एन वन इज इक्वल टू वॉट, 60 आरपीएम। मुझे बताओ आरपीएम से आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये आरपीएस में हो जाएगा, और ये कट के कितना हो जाएगा, 1 आरपीएस, समझ रहे हैं, ये आपका एन वन डेटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं मास बात करूं, शुरुआत का मास मैं मान लेता हूं, इसका मास एम वन, क्या मान ले रहा हूं, इसका मास एम वन, और इसका मास क्या मान लेता हूं, एम टू। आपको पता है इसमें से कितना कम हो गया, 48.8% कम हो गया, तो बचा कितना होगा, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूं कि जो एम टू है, जो मेरा दूसरा मास है, वो क्या है, 51.2% ऑफ एम वन, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहां से ना बच्चों एक चीज कर लीजिए आप, हाँ 51.2% मतलब क्या होता है मुझे बताओ, 512 डिवाइडेड बाय 51.2 डिवाइडेड बाय 100, यहां से एम वन बाय एम टू का रिलेशन निकालूंगा मैं, ध्यान रखिए। अगर मैं ऊपर से एक पॉइंट हटा देता हूं, ऊपर से एक पॉइंट हटा, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ओके, और 512 डिवाइड बाय 1000 इधर लेकर आता हूँ और एम टू को इधर भेजता हूँ, तो आपका एक रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों, एम वन अपॉन एम टू का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, एम टू को यहाँ भेजते हैं और 512 अपॉन 1000 इधर आएगा, तो 1000 अपॉन 512 इज इक्वल टू वॉट, एम वन बाय, तो ये रिलेशन हम लोग निकाल के रखते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने देने का एक फायदा है यहाँ पर, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिफ एम वन बाय एम टू का रिलेशन ये निकाल लिया, और इसके अलावा कुछ डेटा दिया हुआ है, हाँ, अब आपको पूछ रहा है कि विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन समझो, विद व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व, नाउ क्या एक इसकी थी एक मेरी थी, इधर ध्यान देना, ये इधर देखो, एम ये हो गया, नेक्स्ट हमको पूछा गया बच्चों एन टू इज क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क है, एन टू क्वेश्चन मार्क है। अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये चीज़ है, डायरेक्ट ऐसे आप वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, पहले इसके पहले कुछ मॉडिफिकेशन कर लो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे। लगने वाला तो क्वेश्चन का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होगा आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, क्या लगेगा फॉर्मूला, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है, सॉल्यूशन देखो बच्चों, तुम लोग ना सुधरोगे नहीं, सर को भी अपने अंदर सब इन्वॉल्व कर लोगे, लाइन मार दो, ए सुनो, अभी यहां पर ना
एम वन बाय एम टू का जो रेशियो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ जो है, क्योंकि जब इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, जैसे स्फीयर है, स्फीयर का इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड स्फीयर 2 बाय 5 mr², तो उसमें रेडियस भी आएगा। और रेडियस का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, मास का रेशियो सिर्फ हमारे पास है लेकिन रेडियस का रेशियो नहीं है। तो मैं मास से रेडियस रेशियो निकालूंगा कैसे, चेक देखिए जरा फटाफट से। मैं एम वन बाय एम टू लिखता हूँ, क्या आपको पता है मास जो है वो रोवी होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नहीं मालूम, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम उधर से मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ साइड में लिख लेना। खैर मैं मास की जगह डायरेक्ट लिखता हूँ रो वी वन रो वी टू। अब बोलेंगे सर रो वन क्यों नहीं, डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगा, डेंसिटी क्या है, वाटर तो वही है ना भाई, वाटर की डेंसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, वाटर तो रहेगा ही उसके अंदर। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, ज्यादा से कम हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या है लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, 4/3 πr³, 4/3 π, तो r₁ का³, 4/3 π r₂ का³। ये 4/3 π से 4/3 π क्या हो जाएगा, ठीक है ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या बच्चों, तो r₁ बाय r₂ का³ कर दूं। अच्छा इन दोनों का देखा जरा रिलेशन चेक कर लीजिए, अभी m₁ बाय m₂ इज इक्वल टू क्या आ गया, r₁ बाय r₂ का³। अगर ये क्यूब को इधर ले लूं तो r₁ बाय r₂ किसके बराबर आ जाएगा, देख लो ये क्यूब इधर आया तो क्यूब रूट हो जाएगा ना, तो m₁ बाय m₂ का, बोलो ये स्टेप समझ में आया। अरे भाई m₁ बाय m₂ इज इक्वल टू r₁ बाय r₂ का³ है, तो क्यूब इधर आया तो क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी 1/3 होता है पावर। ओके अब सुनिए, m₁ बाय m₂ मेरा कितना था जरा चेक कीजिए, m₁ बाय m₂ कितना था, 1000 अपॉन 512। अच्छा अब मुझे बताओ 1000 मतलब 10³ होता है ना, डायरेक्ट क्यूब रूट भी सोच सकते हैं आप, ये 1/3 मतलब क्या होता है क्यूब रूट, 1000 का³ क्या होगा, 10, 10 का³ करो 1000 होता है, तो क्यूब रूट क्या होगा 10 हो जाएगा। 512 किसका है, 8 का है, 8 8 64 और 64 8 512 होगा, अंडरस्टूड। ओके तो 1000 का क्या आ जाएगा आंसर, 10, और 512 का क्या आ गया, 8। इसको फर्दर आप काट सकते हैं ठीक है, हाँ रेशो में भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज पूरा काट दोगे तो 1.25 आ जाएगा, 8 1 8 ठीक है, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40। ओके तो r₁ बाय r₂ इज 1.25। देखो मुझे रेडियस का रेशियो मिल गया, मास का रेशियो भी है ठीक है। अब आपको आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना ठीक है। अब देखो मेन यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ शुरू हो रहा है, हमारे पास फॉर्मूला लगेगा i₁ ω₁ इज इक्वल टू वॉट, या एक काम करो पहले i₂ ω₂ लिखो, क्योंकि इसके ओमेगा के अंदर क्या छुपा होता है बताओ, ओमेगा के अंदर एन छुपा होता है, तो एन टू फाइंड आउट करना है, तो मैं इसलिए लेफ्ट में रख रहा हूँ ताकि रीअरेंजमेंट में आसानी हो। i₁ ω₁, इनर्शिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2/5 ठीक है, स्मॉल m लिया है मैंने तो m₂ और r₂ का² बराबर, और क्या हो जाएगा ω₂, 2π n₂, इधर आ जाओ 2/5 m₁ r₁² इसकी जगह क्या आ जाएगा 2π n₁। बोलो इतना समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या कैंसिल होगा, 2/5 से 2/5 क्या हो गया कैंसिल, 2π से 2π क्या हो गया कैंसिल ठीक है। मुझे n₂ चाहिए था, तो n₂ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ज़रा चेक कीजिए आप, m₂ r₂² इधर आ जाएगा ठीक है, तो n₂ इज इक्वल टू m₁ अपॉन m₂ r₁ अपॉन r₂² कर दूं, और इनटू क्या हो जाएगा n₁। देखो ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, बोले जल्दी फटाफट से।
अच्छा एक और चीज मैं क्या कर सकता हूं, अभी सुनो, क्या आपको पता है आर वन बाय आर टू किसके बराबर था? एम वन बाय एम टू के रेस टू पावर 1/3। तो यहां पर एम वन बाय एम टू लिख दिया इसकी जगह, और उसका पावर 1/3 है, और उसके ऊपर पावर कितना है? 2 है। ठीक है, अच्छा पावर के ऊपर पावर क्या करता है? तो 1/3 × 2, तो 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3। पहले फॉर्मूला बना ले रहा हूँ, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे फटाफट। तो ये 2/3। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है ना? नहीं पावर है, मतलब क्या है भाई? बोलो फटाफट। वन, और ये देखो बेस सेम है, पावर ऐड होता है, 1 + 2/3 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कैसे होता है, देखो 1 + 2/3 कर देने का, इसको क्रॉस करने का है, 3 1 3 + 2 / फिर 3 1 3, तो 5/3 हो जाएगा। अच्छा इनटू क्या हो गया बच्चों? अब सुनो, फर्दर मैं इसको क्या करने वाला हूं, फर्दर क्या करने वाला हूं, क्या आपको पता नहीं है एम वन बाय एम टू का, ये आर वन बाय आर टू यानी कौन है? एम वन बाय एम टू का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की वैल्यू तो अपने को पता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं फर्दर ना, एक बार एक स्टेप में क्या लिख रहा हूं सुनो, ये देखिएगा अच्छे से। ठीक है, इधर चेक करो, इधर सुनो बच्चों, इसको देखो एम वन बाय एम टू का 1/3, और फिर लिखता हूं पावर 5। इससे फायदा क्या होगा मालूम है? इससे क्या फायदा होगा? एम वन बाय एम टू रेस टू 1/3, उसका पावर 5 कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, 5/3 को क्या कर दिया मैंने? 1/3, उसका पावर क्यों मालूम है? क्योंकि ये अंदर की 1/3 की वैल्यू पता है मुझे कितना है, देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है 1.25, तो इधर लिख दिया 1.25, और रेस टू क्या हुआ? 5 × n1 की वैल्यू 1। समझ रहे हैं? तो सॉल्व हो गया, बस इतना ही सॉल्व करना है मुझे। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा? लॉग से 1.25, 1 तो छोड़ दो अभी, इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा, 1.25 का लॉग देखोगे, और 5 पता है ना, पहले आएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद अंटी लोग को देख के चप्पल खाएंगे, बराबर। चलो 1.25 का लॉग, पॉइंट के पहले कितना नंबर है बच्चों? 1, तो 0 पॉइंट हो जाएगा। देखो यहाँ लॉग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 12 का 5 बताओ, 12 का 5 0.09 69। ओके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी? 5 से, ठीक है, तो 45 हो गया, 34 और 48 ये आ गया। अब इसका क्या करना है बच्चों? एंटी लॉग चेक करना, एंटी लॉग 0.48 का क्या देखा हुए 4 और 5 में 3052, और पॉइंट के पहले 0 है, ठीक है, आपको बताया ना लेफ्ट साइड से पहले के बाद ही पॉइंट डालना है, और शॉर्टकट में बोला था कि 10 का पावर में जो इधर रहेगा वो डाल देने का। अब 10 रेस टू 0 तो 1 होता है, तो मतलब सिर्फ इतना ही आंसर आएगा, कितना? 3.052 बराबर है। अच्छा एन टू निकाला, इसका यूनिट क्या रहेगा? आरपीएस। तो दिस इज योर आंसर बच्चों, समझे?
इसमें मॉडिफिकेशन क्योंकि करना पड़ेगा, तो आप ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल बन सकता है, समझ में आ रहा है? अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को आसान करने के लिए 2 मार्क के लिए पूछ रहा है उसको, तो वो क्या कर सकता है, रेशियो आपको डायरेक्टली दे देगा, जो आप निकाल रहे हो ना ये सब रेशियोज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देगा, और 2 मार्क का क्वेश्चन भी बना सकता है, जिसमें अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना रहेगा तो 2 मार्क का होगा, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो 3 मार्क का क्वेश्चन। कौन सा ये क्या नाम है, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? देखो एक टेबल है आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है? तो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला करिए इसको, ठीक है? अगला सवाल बच्चों, ये देखिए टेक्स्ट बुक का आपका सॉल्व एग्जाम्पल है 1.9। इसकी इस क्वेश्चन की एक खास बात बता देता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो रॉन्ग है। हाँ ये उसकी खास बात है, क्योंकि आप रॉन्ग कैलकुलेशन करके जाओगे और एग्जाम में वैसे ही करके आओगे तो समझ में आ रहा है, तो इसमें मिस्टेक है टेक्स्ट बुक, हो सकता है नई टेक्स्ट बुक में करेक्ट किया हो, ठीक है? लेकिन इसके अंदर मिस्टेक है, आओ उसको करते हैं। क्या पूछ रहा है जरा देखो बच्चों, एक सीलिंग फैन है आपका, सीलिंग फैन बराबर है, हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका आई गिवन है आपको, क्या गिवन है, आई गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अटेन्स अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 RPM, मतलब जब आप ऑन करोगे इसको, तो ये कौन सा सिचुएशन है, स्विच ऑन वाला, तो जब आप ऑन करते हो तो धीमे धीमे इसकी स्पीड बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? और थोड़ी देर के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, मैक्सिमम, जैसे अभी वो फैन देख रहे हो आप, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, बराबर है? शुरुआत में क्या फ्रीक्वेंसी रही होगी इसकी, जब आप ऑन करोगे तो ये रेस्ट पर है ना, ये ऑन करूंगा तो गोल घूमना शुरू होगा, स्पीड बढ़ेगी और फिर बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको। तो शुरुआत वाला दिया नहीं है, आपको सोचना है इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी, थोड़ी देर के बाद, कितनी देर के बाद, वो थोड़ा देर कितना है, 2π सेकेंड, तो ये टाइम इंटरवल है, इतने टाइम के बाद फाइनल फ्रीक्वेंसी बच्चों, इसको बोल देता हूं N2, तो N1 आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, जीरो, क्योंकि जैसे फैन ऑन करते हैं तो भाई शुरुआत में तो फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, 2π सेकेंड के बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 60 RPM, तो N2 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग, अब आपको पावर का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, और F into V और ये देखो, आपने पावर रेटिंग अगर मैं बात करूं, ये आपने फॉर्मूला कौन सा बोला, एफ इंटू वी बोला, ये वाला एक फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन के लिए। अच्छा एंगुलर मोशन गोल घूम रहा है, इसके लिए पावर रेटिंग का फॉर्मूला देखो अभी क्या चेंज हो जाएगा, एफ की जगह टाउ आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर फोर्स है, समझ में आ रहा है? ये मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, समझ में आ रहा है? या टॉर्क, रोटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स है, रोटेशनल फोर्स, लीनियर वेलोसिटी इसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर। तो पहले तो फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, इसमें लगेगा क्या, समझे? तो पी का फॉर्मूला लीनियर क्या नाम है, लीनियर मोशन के लिए क्या होता है, एफ इंटू वी, एंगुलर मोशन के लिए पावर रेटिंग का फॉर्मूला होगा टाउ, टाउ डब्ल्यू, टाउ ओमेगा, ओके। अच्छा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी पता होगा आपको, ये डिराइव किया हुआ है हम लोग ने, नहीं ये फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, आई अल्फा ओमेगा, क्या लगेगा भाई फॉर्मूला, आई अल्फा ओमेगा। चलो अब डेटा लिख लेते हैं, सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूं मैं, आपका सीलिंग फैन है, ठीक है, ये सीलिंग फैन है, शुरुआत में इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, कितने टाइम के बाद, 2π सेकेंड के बाद, ठीक है, अभी ये गोल घूम रहा है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी,
मैक्सिमम, इसको एन टू बोल देता हूँ, जो कि 60 RPM हो जाएगा, है ना, यही बोल रहा है। अच्छा, कहानी समझ में आ रही है कुछ? डेटा में बताओ क्या क्या गिवन है। इनर्शिया 2 kg m², इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0, फाइनल फ्रीक्वेंसी 60 RPM, मतलब कितना बच्चों? 60 / 60 करोगे ना, RPS में हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 1 RPS। और टाइम कितना बोला है? 2π सेकेंड। क्या फाइंड आउट करना है? पावर रेटिंग। ये सिचुएशन हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, इसको भी बना लीजिएगा तो आपको समझ में आएगी कहानी हो क्या रहा है। चलो नेक्स्ट, पावर का फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, पूरा लिख सकते हैं आप, टाउ ओमेगा, फिर उसके बाद आई अल्फा टू ओमेगा। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है ना, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मतलब मैं 2 - 1 अपॉन टाइम इंटरवल लिख सकता हूँ, समझे? और ये वाला मेरा कौन होगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा 2 क्या रहेगा? ओमेगा। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? ओमेगा 2। अच्छा एक काम करें, अपन 1 2 की जगह अपना नॉट और ये एन भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनिशियल और फाइनल ऐसे करके भी कर सकते हैं, तो इधर पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट फॉर्मूला भी लग जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, और अपॉन टाइम इंटरवल इनटू ओमेगा 2। चलो फर्दर क्या करता हूँ मैं, हाँ तो ये फॉर्मूला देखना, ओमेगा चल रहा है ना ये, और ये अल्फा की जगह आया, समझे? अभी आगे सुनो, ओमेगा 2 मतलब 2π n2, और ये ओमेगा 1 मतलब क्या? 2π n1 अपॉन टी, और ओमेगा 2 मतलब अगेन 2π n2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, आई कितना है? 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? एक काम करो, 2π एन टू की वैल्यू कितनी है? 1। n1 की वैल्यू कितनी है? 0। ये कितना है? 2π। 2π n2 की वैल्यू 1। जरा चेक करना बच्चों, 2π n2 1, 2π माइनस 2π n2 0, इसकी कहानी खत्म। 2π / 2π बचा इधर पे, जो कि अगेन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा? ओनली ये कैंसिल, 2 2 4π, कितना आ गया? 4π। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताओ, 4 × π, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक में कैसे पाई के फॉर्म में दिया हुआ है ना, पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं यार नंबर भी दिया हुआ है ना, आगे दिया है ना, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा पूरा निकाल लो, 16 5 12, 12.568 W, मतलब क्या हो गया? आप कैपिटल W लिख देना, वॉट पावर निकाला ना आपने, देयरफॉर P इज इक्वल टू 12.568। ये W मतलब क्या है? वॉट, तो वाट लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है? तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? ये
नेक्स्ट सवाल बच्चों, अगेन ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर भी है, यही सेम फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। फॉर्मूला आपका क्या था, आई वन ओमेगा वन इस आई टू ओमेगा टू, यही फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ें देखने वाले हैं कि आपके पास क्या नाम है, कुम्हार को देखा होगा ना आपने, ठीक है, कुम्हार, लोहार नहीं रे, कुम्हार जो आप मटका वगैरह अर्थन पॉट वगैरह बनाते हैं, बराबर है। अच्छा, तो अर्थन वेयर्स बनाते हैं बेसिकली, तो उनके पास क्या होता है, एक बड़ा सा व्हील होता है, पता है आपको, है ना, चक्का होता है। अच्छा, ये व्हील कैसा है, इन्होंने बोला डिस्क फॉर्म में, कैसा है, डिस्क, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो ऑलरेडी कुछ कितने आरपीएम से गोल घूम रहा है, बोल रहा है 100 आरपीएम से गोल घूम रहा है, ठीक है, मतलब उसको एक बार घुमा दिया, वो 100 आरपीएम से गोल घूम रहा है। उसमें क्या होता है कि कुछ सेंटर्स एक्सिस से कुछ दूरी पर कुछ क्ले का कुछ लंप जो है वो फॉल कर जाता है, और यहाँ पर आपको जो क्या नाम है, लंप ऑफ क्ले जो है, कुछ मिट्टी का जो एक गोला गिर गया उसके ऊपर छोटा सा, बराबर है। तो उसको एक पार्टिकल लेकर ही कंसिडर करना है, मतलब पार्टिकल कंसिडर करना है, कोई स्फीयर कोई कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं। क्या कंसिडर करोगे, तो किसी पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लगता है, सिंपल फॉर्मूला लगता है, एम आर स्क्वायर, क्या लगता है, उसका मास इंटू एक्सिस से उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो पार्टिकल कंसिडर करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही लंप गिरेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो गया तो इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, तो गोल घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, देखो आई इंटू ओमेगा है, इनर्शिया अगर बढ़ गया तो गोल घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेटेड 80 आरपीएम। देखो फ्रीक्वेंसी पहले कितना था 100, वो लंप फॉल करने के बाद फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 80, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी पर ये गिरेगा तब जाके 80 आरपीएम होगा। मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूं आपके सामने, सुनो, ये आपके पास वो व्हील है, कौन सा व्हील, हाँ कुम्हार वाला, कुम्हार वाला, ठीक है, जो ये अर्थन वेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इधर सुनो बच्चों, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसका शुरुआत में फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, इनिशियल फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ 100 आरपीएम, कितना है अभी, क्या हुआ सुनो, थोड़ी देर के बाद ठीक है, सिचुएशन समझो, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, यहां पर ना कुछ एक्स दूरी पर एक लंप गिर जाता है, इसी का ही क्ले का, समझ में आ रहा है, कुछ डिस्टेंस पे गिरता है, क्या बोला उसने, कुछ डिस्टेंस पर, तो बीच में कैसे गिरा दूं,
ये डिस्टेंस आपका कितना है, एक्स है, कितना है एक्स, और इसका मास आप मान लेते हो, ये जो लंप गिरा है उसका मास क्या है, स्मॉल एम, उसका मास क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया फाइनल, 80 RPM, ठीक है। यहां पर भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा इसके ऊपर, ये सिर्फ लंप गिरा और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई। तो आप खुद ही सोचो कि मास बढ़ गया, इनर्शिया बढ़ जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो इस तरीके से काम करने वाला है, दोनों ही सिचुएशन में क्या सेम रहने वाला है, एल सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, यानी आई वन इसका इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका इनर्शिया इंटू इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी बेस्ड ये क्वेश्चन है बच्चों, डेटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं N1 100 RPM, इसका रेडियस भी गिवन है बच्चों, हाँ रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूँ, 0.4 मीटर, N2 भी आप लिख दो यहीं पर ही 80 RPM, और रेडियस मास दिया हुआ है, मास 10 kg, मास कितना है 10 kg, रेडियस कितना है बच्चों 0.4 मीटर। अच्छा जो लंप गिरा उसका भी मास है ना, उसका मास कितना है 1.6 kg, तो 1.6 kg है, ठीक है। ये फॉल करें, इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, एडियस टू एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर चिपक जाता है, कैलकुलेट एक्स, सॉल्व करें अभी इसको। चलो सॉल्यूशन, दोनों ही सिचुएशन में क्या सेम रहने वाला है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, मतलब I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, फॉर्मूला क्या लगेगा, I1 ये डिस्क है, ये क्या है डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ½ mr2, कौन सा वाला सिचुएशन में, इस सिचुएशन में पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसमें डिस्क का फॉर्मूला लगता है बच्चों mr2/2, है ना। अच्छा मैं इधर पे कोई एम और आर को नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्यों, वो थोड़ी चेंज हो रहा है, इंटू ω1 क्या हो जाएगा 2π N1 नहीं हो जाएगा, अच्छा I2, अच्छा आप सुनो ये इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क तो है, डिस्क तो अपने सेंटर के अराउंड तो एक्सिस के अराउंड गोल तो घूम रहा है, ये मास भी तो गोल घूम रहा है उस एक्सिस के, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, अगर इसका डिस्टेंस आप, इसका डिस्टेंस हम लोग ने कितना बोला था एक्स, कितनी दूरी पर है ये, एक्स दूरी पर है, तो आप बताइए कि ये एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहा हूं, एक्स दूरी पर है, mx2 क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो mx2 हो जाएगा, तो टोटल इनर्शिया इसका डिस्क का भी होगा और प्लस इसका भी होगा, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, mr2/2 भी बनेगा प्लस mx2 बनेगा, तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ω2 क्या होगा 2π N2। इतनी कहानी समझ में आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अभी क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क एक्स है, एम बताओ कितना है 10, आर कितना है 0.4, इसका स्क्वायर अपॉन 2, ये 2π से 2π उड़ा दूं, इधर का 2π इधर के 2π से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, N1 मेरा कितना है बच्चों 100 RPM, अच्छा इसको जरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर पे जो है ना डेटा में इसको लिख लो बच्चों, हाँ कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन फिर आप वो दूसरी जगह भी वैसे ही कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट
60 लिख लेता हूँ, और इसको क्या कर लेता हूँ, 80 डिवाइड बाय 60। आप चाहें तो इसको काट के 10 बाय 6, जिसको फर्दर ना एक काम करते हैं 5 3, ठीक है 4 बाय 3, ऐसे कर लेता हूँ मैं। इधर कितना आ जाएगा 5 बाय 3, अगेन इधर पे 10 × 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2, 1.6। एक्स अपने को पता करना है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बच्चों, एन टू मेरा कितना हो जाएगा 4 बाय 3। अब देखो क्या होने वाला है, ये 3 से ये 3 क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हो बराबर। अब इधर पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, 0.16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0.16। तो ये 10 × आप इसको 2 से इसको काट भी सकते हैं, 0.16 × 5। इधर चेक करो, इसको भी क्या करेंगे 5 ×, ये इधर से चेक करो जरा बच्चों। हाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, 16 × 5 कितना होगा पता है, 16 × 5 = 80, तो 8 पॉइंट, ठीक है 0.8 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0.8 और इंटू क्या 5, 0.8, ठीक है 1.6 x². अब एक बात समझो बच्चों, ये 8 × 5 = 40 होता है, तो 4.0 हो जाएगा, ये 4 को इधर लेकर आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से डायरेक्ट काट देता हूं ना मैं इसको, तो जब आप इसको काटोगे तो 1 लिखना है इधर पे, तो 1 = 0.8 + 1.6 × x². 0.8 को यहां लेकर आओ बच्चों, 1 - 0.8 0.2, बोलो बराबर है। फर्दर कैलकुलेशन चेक कीजिए बच्चों, यहां करता हूं, जीरो पॉइंट टू अपॉन 1.6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 16, 2 1 8 1/8 हो गया, तो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 आ गया, जो कि आप स्क्वायर रूट उधर स्क्वायर उधर भेजा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 8 का। अच्छा मुझे बताओ 8 मतलब 4 × 2 होता है बराबर है, तो क्या तुरुत्तु आ जाएगा, नहीं समझे, तुरुत तुरुत तुरुत, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तुरुत्तु। अच्छा 1 अपॉन रूट 2 मालूम है क्या होता है, ये बताया मैंने, 1 अपॉन रूट 2 इज 0.707, बिना लॉग के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, अगर ये सब वैल्यूज पता है तो, 1 अपॉन रूट 2 याद रहेगा, इसको काट डालो, 3 सा हो जाएगा और 1 बचेगा 5 सा, फिर अगेन 3 सा, तो 0.35 मीटर, दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल बच्चों हमारा कौन सा है, 22 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और यहां पर जाना थोड़ा सा आपको क्या नॉलेज होना चाहिए इसको समझो। रेडियस ऑफ गायरेशन देखो हर एक इसका अपने निकाला हुआ है, ठीक है उसी बेस सीधा आप हम लोग जो है ना डिसाइड करेंगे कि ये रोलिंग वाला जो लास्ट टॉपिक है ना चैप्टर का, रोलिंग मोशन, ठीक है वहां से सवाल है।
वेलोसिटी गिवन, तो वहां पर वेलोसिटी और एसेलरेशन दो फॉर्मूले हम लोग याद करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग ने, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था नहीं? अच्छा आपको बोलेगा क्या, सवाल क्या पूछ रहा है कि एक क्या नाम है, इंक्लाइंड सरफेस है, ऊपर से आपने एक बॉडी को गिराया, वो रोल डाउन करके नीचे आया, और यहाँ पर उसका वेलोसिटी दे दिया है, एंगल वगैरह सारी चीज़ें गिवन है, बस अपने को ये नहीं बताया कि एक बॉडी कौन सी है, कैसे शेप की है, बॉडी का क्या नहीं बताया, शेप नहीं बताया, ये स्फेरिकल है, समझ में आ रहा है, क्या नाम है, या स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, या रिंग है, ये नहीं बताया आपने को। और ये पूछा है कि आप बताओ, आप प्रेडिक्ट करो कि इसका शेप क्या होगा, ये रिंग होगा, समझ में आ रहा है, या स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा। तो ये कैसे पता चलता है मालूम है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशो से, या के बाय आर के होल स्क्वायर रेशो से पता चलता है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये रेशो वन कब होगा, जब के और आर एक दूसरे के बराबर होंगे। के आर के बराबर कब होता है, के मतलब यहां पर कौन है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन जो आपका के है ये आर के बराबर कब होता है, कौन से केस में, कौन से केस में, रिंग के केस में, कौन से केस में, रिंग। अच्छा रिंग के ऊपर अगर रिंग पाइल अप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हॉला सिलेंडर बनेगा, हॉलो सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा, हॉलो सिलेंडर। मतलब ये जो ये अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर वन आ रहा है तो आप समझ जाओ या तो ये रिंग है या तो हॉलो सिलेंडर, क्योंकि उसके लिए ये वन आता है, याद रहेगा। कैसे प्रेडिक्ट करोगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर रिंग और हॉलो सिलेंडर कितना होता है, वन होता है। तो अगर ये वन आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि शेप ऑफ द बॉडी इज इधर रिंग और हॉलो सिलेंडर, ऐसे करके बोल सकते हैं, अंडरस्टूड? ठीक है, एक इंक्लाइंड सरफेस बना रहा हूं। अब इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है बच्चों, डेटा ना, डेटा एकदम आसानी से समझ नहीं आता कि क्या गिवन है। ये थीटा को देने का ना एक विचित्र तरीका देखोगे आप इस क्वेश्चन में, ये थीटा जो है ना एंगल डायरेक्ट भी दे सकता था अपने को, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, थोड़ा विचित्र तरीके से दे रहा है थीटा। अब वो विचित्र तरीका कैसे है? सुनो, इधर चेक करो बच्चों, थीटा भी नहीं दिया, एक्चुअल में साइन थीटा दिया है। देखो क्या बोल रहा है सवाल में, जरा चेक कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑब्जेक्ट रोल डाउन, तो एक कोई ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट से, ठीक है, ऊपर से नीचे रोल डाउन हो रहा है, रोल्स डाउन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अलोंग द इंक्लाइन, ये इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय, जो इंक्लिनेशन है वो कैसे राइज हो रहा है, ठीक है, बाय थ्री, राइजेस बाय थ्री, राइजेस बाय मतलब ये ऊपर के जा रहा है तीन इन एवरी फाइव, इसका क्या मतलब है, ठीक है, राइजेस बाय मतलब हाइट, तो ऊपर कितना, तीन, और आगे कितना बढ़ेगा, पांच, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको ये दिया हुआ है कि राइजेस बाय थ्री इन एवरी फाइव, जब आप ऊपर ऐसे फाइव चढ़ोगे तो हाइट कितनी होगी, थ्री होगी, तो ये इंक्लिनेशन दिया हुआ है अपने को, समझ आ रहा है, जो इंक्लाइन सरफेस है ना वो दिया हुआ है, तो ये थ्री और ये फाइव दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, तो ये रहा 90 के सामने हाइपो और थीटा के सामने अपोजिट, तो साइन थीटा क्या हो गया, थ्री अपॉन फाइव, तो साइन थीटा ऐसे गिवन है, राइजेस बाय थ्री इन एवरी फाइव, ठीक है, यहां पर आप पांच बढ़ते हो उधर पे तीन बढ़ जाओगे, तो आपको साइन थीटा क्या हो गया, समझ में आ गया? तो साइन थीटा कुछ इस तरीके से गिवन है। डायरेक्टली राइजेस बाय थ्री
ठीक है, इन एवरी फाइव, तो क्या बोलोगे, थ्री बाय फाइव साइन थीटा हो गया, ट्रायंगल ऐसे बना लेना आप, ठीक है। अच्छा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है बच्चों, हाइट होता है। इस ट्रायंगल में अगर आप क्या लगा लोगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, एच अपॉन एस, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एस। तो साइन थीटा एस इधर चला गया, तो एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस साइन थीटा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा आप आगे सुनो, ऑब्जेक्ट गेन स्पीड रूट 10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 5/3। जैसे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये एस कितना, 5/3। तो आप लिख लोगे डेटा में, जब एस कितना हो, 5/3, तो यहां जब नीचे पहुंचेगा ना ये, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, रूट 10 मीटर पर सेकेंड, रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर से जब नीचे रोल डाउन करके आएगा तो यहां पर स्पीड कितनी होगी इसकी, रूट 10, और कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 5/3। और व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपने को क्या पूछा है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी पूछेगा ना, तो आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है, वो आप टेबल से वहां पर कैलकुलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। हर एक का रेडियस ऑफ गायरेशन और ये डिवाइड करके चेक कर लेना। सोल्यूशन देखिए बच्चों, क्या आपको v का फॉर्मूला पता है, पता है नहीं पता है, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सुनो h इज इक्वल टू, मैंने आपको यहां क्या बताया, h इज इक्वल टू s साइन थीटा बताया ना, एच की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, एस साइन थीटा, ठीक है। देखो मुझे वी पता है, वी कितना है, रूट 10, कितना है, जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, एस कितना है, 5/3, और ये कितना है, 3/5, कैंसिल होगा, और 1+k² तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पूरा कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है। चलो v की वैल्यू है बच्चों रूट 10, उसका स्क्वायर करूंगा 2 इंटू इसकी वैल्यू 10, s कितना है बच्चों, 5/3, और साइन थीटा कितना है, 3/5 अपॉन 1+k² बाय, ये 10 हो जाएगा, ये देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जरा चेक करें, 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, फिर उसके बाद 10 होगा ना, तो 10 से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां लेकर आ जाओ, 1+k² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ 2 बचा ना, तू बचा के मैं बचा, 1 उधर चला गया, माइनस हो गया, 2 - 1 कितना आएगा बच्चों, 2 बाय आर स्क्वायर अगर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, इसका क्या मतलब है, यहां क्या बोलोगे आप, सिंस k² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर द शेप ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज, क्या बोलोगे, इधर ठीक है रिंग होगा
और ये हौला होगा, बराबर। तो हॉलो सिलेंडर खत्म।